डिंडोरी के उपस्वास्थ्य केंद्रों से यूनिक आईडी के जरिए प्रसूति सहायता योजना में हुए फर्जीवाड़े का 2022 में खुलासा होने के बावजूद अब तक फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों का खुलासा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन कमेटी की लापरवाही से फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड जांच टीम के चंगुल से कोसों दूर है। डिंडोरी जिले में प्रसूति सहायता योजना के नाम पर 3 वर्षों से बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। फर्जीवाड़े के बारे में साल 2022 में मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले के उजागर होने के बाद आनन फानन में मेडिकल ऑफिसर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड का अब तक पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि प्रसूति सहायता योजना में लाभार्थी को 16,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है और गर्भधारण के बाद आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य केंद्र में पंजीयन कराने पर 4,000 रुपए और प्रसव के बाद महिला को 12,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन कई उप स्वास्थ्य केंद्रों में यूनिक आईडी के जरिए फर्जी महिलाओं का प्रसव दिखा दिया गया था और उनके खातों में 16,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन जांच के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ वर्करों ने लिखित रूप से जानकारी दी है कि फर्जीवाड़े में जिन महिलाओं का नाम सामने आए हैं उनका विभाग से पंजीयन ही नहीं किया गया। जो ANC जो पता चला है हमें कि रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ की तो है, लेकिन ANM सिस्टर के द्वारा और हमारे द्वारा कोई भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, ना तो वो हमारे रिकॉर्ड में है कि वो ANC नहीं थी जिनका पता चला है। ये प्रसूति सहायता योजना का है जो कि जो ANC होती हैं जो गर्भवती महिलाएं का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारी चेकअप का और डिलीवरी के बाद तक का इनका 16,000 रुपये पूरे मिलते हैं जो हमारे द्वारा नहीं किया गया इनका रजिस्ट्रेशन। पता चला कि उनके अकाउंट में 16,000 रुपये आए हैं। वहीं इस मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि अब तक फर्जीवाड़े में 25 लोगों की जानकारी सामने आई है, लेकिन आंकड़े और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसके संबंध में हमने सर के समक्ष प्रस्तुत किए थे, कलेक्टर सर के समक्ष, तो जांच टीम गठित की गई है और जांच की जा रही है। जो भी जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे तो जांच टीम द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसमें कुछ फर्जी तरीके से भुगतानों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब अभी तक हमने तो 25 लोगों से संपर्क किया है, इसमें और भी संख्या बढ़ सकती है। इस मामले पर बसपा नेता असगर सिद्दीकी ने स्वास्थ्य विभाग पर फर्जीवाड़े में FIR दर्ज करने की मांग की है। अभी मेरे को जानकारी लगी, इसमें जो प्रस्तुता हैं जिनको 16,000 रुपया मिलता है उनको उनके खाते में जमा होता है, लेकिन यहाँ पे डिंडोरी जिले में देखने में हमको मिला है कि अभी कम से कम सैकड़ों के लोगों के खाते में पैसा आया नहीं। और ये मिली भगत कर जो स्वास्थ्य विभाग में है, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो मिली भगत कर दलालों के माध्यम से ये पैसा गोलमाल टोल किया गया है, जिसकी अनियमितता पाई गई थी, जिसमें जांच तो हो गया, लेकिन जांच होने के बाद अभी भी वो ठंडे बस्ते में है। ये मिली भगत करके राशि का हरण किया गया, जो सरकार को लाखों रुपए का नुकसान है इसमें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।